जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए संदर्भित सप्ताह के दौरान घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 15 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में भारत की 7 कंपनियां शामिल। 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज रॉकेट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना। ग्लेनमार्क ने टाइप 2 मधुमेह की दवा टेनेलीगल लिप्टिन लॉन्च किया। यूनेस्को द्वारा कोनाक्री को वर्ष 2017 का वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया। पुंटियस डोलिचोप्टेरिस नामक नई मछली की प्रजाति केरल में खोजी गई। उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ राज्य सरकारों को आजीवन कारावास की सजा कम करने का अधिकार दिया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कैरियर काउंसलिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस रेलवे हेल्पलाइन नंबर 1512 की शुरुआत की। भारतीय मूल के अमेरिकी अमितोज छाबड़ा ने यूएस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2015 का जूनियर खिताब जीता। दर्शकों के सीमित समर्थन की वजह से चैंपियंस लीग T20 समाप्त कर दिया गया। पश्चिमी घाट में खोजी गई पौधों की नई प्रजातियां वैली थुम्पा और इरियोकोलन। इसरो ने स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का 800 सेकंड तक सफल परीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने स्टेम कोशिकाओं के साथ माइक्रोचिप पर मिनी हृदय बनाया। भानु प्रताप शर्मा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त। झारखंड सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की। करंट अफेयर्स विस्तार से। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में भारत की 7 कंपनियां शामिल। इस सूची में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स समेत 7 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। फॉर्च्यून की इस सूची में रिटेल जगत की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट पहले नंबर पर है। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों ने वर्ष 2014 में करीब 19 लाख अरब रुपए का राजस्व कमाया और करीब 1 लाख अरब रुपए लाभ कमाया। इस रिपोर्ट में चीन की पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी साइनोपेक ग्रुप दूसरे नंबर पर, नीदरलैंड की रॉयल डच शेल तीसरे नंबर पर, चाइना नेशनल पेट्रोलियम चौथे नंबर पर और एक्सॉन मोबिल पांचवें नंबर पर है। 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज रॉकेट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना। अंतरिक्ष यान ने रूस के कजाक क्षेत्र स्थित बैकोनूर से ओलेग कोनोनेंको, जेल लिंडग्रेन तथा कीमिया यूई के साथ सफल उड़ान भरी। अंतरिक्ष यान ने अप्रैल 2015 में रूस के रॉकेट की उड़ान असफल रहने के बाद 2 महीने देरी से उड़ान भरी। रूस के मालवाहक अंतरिक्ष यान के असफल प्रक्षेपण के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई थी। ग्लेनमार्क ने टाइप 2 मधुमेह की दवा टेनेलीगल लिप्टिन लॉन्च किया। कंपनी ने इस दवा को ब्रांड नाम Z10 और जीटा प्लस के अंतर्गत शुरू किया है। इस दवा की कीमत 19.9 रुपए प्रति गोली है, जो 1 दिन के इलाज के लिए पर्याप्त होगी। यह बाजार में उपलब्ध अन्य दवाओं की तुलना में 55% सस्ती है। यह दवा ग्लूकागन के स्तर को कम करने और इंसुलिन के स्तर को बढ़ाने में कारगर है। ग्लेनमार्क भारत में विशेष रूप से बिक्री के लिए इस दवा का निर्माण करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। यूनेस्को द्वारा कोनाक्री को वर्ष 2017 का वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया। वर्ष 2017 के लिए गिनी गणराज्य की राजधानी कोनाक्री को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना गया है। यह निर्णय 30 जून 2015 को विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा लिया गया। विशेषज्ञ समिति ने कोनाक्री को कार्यक्रम की अच्छी गुणवत्ता और विविधता, सटीक बजट, युवाओं और साक्षरता पर केंद्रित स्पष्ट लक्ष्यों के कारण चुना है। कोनाक्री 17वां वर्ल्ड बुक कैपिटल है। पुंटियस डोलिचोप्टेरिस नामक नई मछली की प्रजाति केरल में खोजी गई। पुंटियस डोलिचोप्टेरिस नामक सिप्रिंट मछली की एक नई प्रजाति को केरल के अलापुड़ा जेल के कायमकुलम शहर की जलधारा से खोजा गया। कम और उथले जल में पाई जाने वाली इस मछली को सिप्रिंट समूह में स्थान दिया गया है।
यह मछली खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग सजावटी मछली के रूप में भी किया जा सकता है। इस मछली की खोज कोलम शहर के बेबी जॉन मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज के प्राणी शास्त्र विभाग के प्रमुख मैथ्यूज पलामुतेल द्वारा की गई है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ राज्य सरकारों को आजीवन कारावास की सजा कम करने का अधिकार दिया। यह अनुमति उन मामलों पर लागू नहीं होगी जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत जेल में बंद कैदियों पर भी यह फैसला लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यह अनुमति दुष्कर्म और हत्या के मामलों के आजीवन कारावास के कैदियों पर भी लागू नहीं होगी। इससे पहले न्यायालय ने 9 जुलाई 2014 के अपने आदेश को संशोधित कर सभी राज्यों से आजीवन कारावास के कैदियों की सजा में कमी कर जेल से रिहा करने पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कैरियर काउंसलिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय श्रम सम्मेलन के 46वें सत्र के दौरान राष्ट्रीय कैरियर काउंसलिंग पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य देश के सभी रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करीब 20 लाख रोजगार इच्छुक लोगों को एकल मंच प्रदान करना है। पोर्टल की मदद से पर 9 लाख प्रतिष्ठानों और कंपनियों को लोगों से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस रेलवे हेल्पलाइन नंबर 1512 की शुरुआत की। रेल यात्री अब चलती रेलगाड़ियों से नीचे उतरे बिना शिकायतें और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। कोई व्यक्ति देश के किसी हिस्से से इस अखिल भारतीय हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। फैक्स या ईमेल पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और प्राथमिकी की प्रतिलिपि फैक्स या ईमेल या डाक द्वारा शिकायतकर्ता के पास भेजी जाएगी। पुलिस नियंत्रण कक्ष संख्या 100 और दिल्ली पुलिस रेलवे की समर्पित व्हाट्सएप संख्या 8750815512, जिस पर संबंधित तस्वीर और वीडियो भी प्राप्त किए जा सकते हैं, पर मामले दर्ज कराए जा सकते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अमितोज छाबड़ा ने यूएस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2015 का जूनियर खिताब जीता। अमितोज ने लास वेगस में जूनियर टाइटल के लिए कुल 1383 पाउंड भार उठाया तथा 485 स्क्वाट पाउंड, 325 बेंच प्रेस एवं 573 डेडलिफ्ट लगाए। उन्होंने वर्ष 2014 में 100 डेडलिफ्ट लगाए थे। उन्होंने 3 बार नेवदा राज्य का पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड 18-19 वर्ष की आयु में अर्जित किया। अब वे 20 से 23 वर्ष के आयु वर्ग में भाग लेते हैं। दर्शकों के सीमित समर्थन की वजह से चैंपियंस लीग टी20 समाप्त कर दिया गया। चैंपियंस लीग टी20 के शासी परिषद ने दर्शकों से मिलने वाले सीमित समर्थन को देखते हुए इस प्रतियोगिता को खत्म करने का फैसला किया। शासी परिषद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट साउथ अफ्रीका और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि हैं। 4 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम को 2 वर्षों के लिए निलंबित करने के फैसले की पृष्ठभूमि में सीएल टी20 का खत्म किया जाना काफी अहमियत रखता है। पश्चिमी घाट में खोजी गई पौधों की नई प्रजातियां वैली थुम्पा और इरियोकोलन। सीएन सुनील के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने भारत के पश्चिमी घाट पर वेली थुम्पा यानी चांदी का फूल और इरियोकोलन नामक पौधों की 2 नई प्रजातियों की खोज की। पौधों की इन प्रजातियों की खोज केरल के पयमकुट्टी, अदमालायर और नरियमंगलम वन क्षेत्र से की गई है। खोज की पुष्टि पत्रिका इंटरनेशनल जर्नल वेबिया, जर्नल ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फाइटोजियोग्राफी के जून 2015 के अंक में की गई। यह मिंट समूह से संबंधित एक झाड़ीदार पौधा है। इसरो ने स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का 800 सेकंड तक सफल परीक्षण किया। इसरो ने ग्राउंड टेस्टिंग के तहत गर्म अवस्था में इंजन की सहन शक्ति का 800 सेकंड तक परीक्षण किया। यह परीक्षण तमिलनाडु स्थित महेंद्रगिरी प्रोपल्शन सेंटर में किया गया।
यह C25 क्रायोजेनिक स्तर के लिए मददगार साबित होगा। यह अगली पीढ़ी वाले GSLV Mark III का विकसित रूप है। वैज्ञानिकों ने स्टेम कोशिकाओं के साथ माइक्रोचिप पर मिनी हृदय बनाया। अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक शोध के आधार पर एक मिनी हृदय बनाए जाने की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने मानव कोशिकाओं का प्रयोग किया है। कार्डियक माइक्रोफिजियोलॉजिकल सिस्टम की चौड़ाई मनुष्य के सिर के बाल जितनी है, इसलिए वैज्ञानिकों ने कयास लगाया है कि इसका प्रयोग गैर मानव प्रयोगों में किया जा सकता है। माइक्रोफिजियोलॉजिकल सिस्टम इंजीनियर ऑर्गन है जो फार्माकोलॉजिकल एवं फिजियोलॉजिकल अंतर के विकास को विभाजित करने के साथ जानवरों एवं मनुष्यों के बीच अंतर को दर्शाते हैं। भानु प्रताप शर्मा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त। भानु प्रताप शर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1981 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों हेतु मानक तय करना एवं इसकी निगरानी अवलोकन करना है। FSSAI की स्थापना भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण विधेयक 2006 के अंतर्गत हुआ। झारखंड सरकार ने JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया। झारखंड सरकार के फैसले के तहत JP आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के पति या पत्नी जो जीवित हों को सर्वाधिक 5,000 रूपए पेंशन मिलेगी। मीसा और DIR के तहत 6 माह से ज्यादा जेल में रहे लोग भी 5,000 रूपए प्रति माह पेंशन के हकदार होंगे। 1 माह तक कारावास की सजा भुगतने वालों को 2,500 रूपए प्रति माह पेंशन मिलेगी एवं इसके साथ ही आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में घायल होने वाले को भी 2,500 रूपए पेंशन दिया जाएगा। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।